जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी और मंच संचालन कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी, प्रदेश अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू, और यहां पर उपस्थित हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू, लोकसभा में संसदीय दल के नेता और माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, और यहां पर राज्यसभा संसदीय दल के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सांसद और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी, और यहां उपस्थित जनता दल यू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह सांसद श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय सलाहकार सह प्रवक्ता श्री केसी त्यागी जी, श्री मंगनीलाल मंडल जी, श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी जी माननीय मंत्री वित्त विभाग, श्री महेश्वर हजारी जी उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा, जनाब अली अशरफ फातमी साहब राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, श्री श्रवण कुमार माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, श्री अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग, श्रीमती लेसी सिंह माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्री मदन सहनी जी माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, श्रीमती शीला मंडल जी माननीय मंत्री परिवहन विभाग, जमा खान साहब माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्री सुनील कुमार जी माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, जयंत राज जी माननीय मंत्री लघु एवं जल संसाधन विभाग, रत्नेश सदा जी माननीय मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, श्री सुमित कुमार जी माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, श्री हरिनारायण सिंह जी सदस्य बिहार विधानसभा, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी सदस्य बिहार विधानसभा, यहां उपस्थित सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी विधान पार्षद, जनता दल यू के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, जनता दल यू के सभी जिला अध्यक्षगण और बिहार के कोने कोने से आए हुए जन प्रतिनिधिगण, कार्यकर्तागण, सम्मानित नेतागण, और यहां पर उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है। और अब मैं देख रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, यानी लाखों की संख्या में हैं। कम से कम 2 लाख लोग तो यहां पर उपस्थित हैं, और जो मैं आ रहा था रास्ते भर दोनों तरफ लोग खड़े हैं, यहां पर तो है ही, लेकिन रास्ते भर इतनी बड़ी संख्या में सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सवेरे से ही देख रहे हैं, जब 10:30 में राष्ट्रीय कार्यक्रम था, आज वो जहां वो रहते थे वहां गए थे, और फिर उनके गांव में गए, तो सब जगह ये चारों तरफ से, और वही तब रामनाथ ठाकुर जी उन्हीं के गांव पर गए, और वो भी साथ ही आते हैं हर साल, जब भी कार्यक्रम रहता सब कार्यक्रम में हम जाते रहते हैं, तो सब लोग वहां बड़ा खुश रहते हैं। अब वहां पर उनके घर में जाकर के परिवार के सब लोगों से मिलते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में वहां भी लोग रहते हैं। अब वहां देखिए
अनेक धर्म के लोग, पांच धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं, तो सब में हम सुनते हैं, सबका शामिल होते हैं और हर जगह आते हैं। यहाँ पर लोग कार्यक्रम कर दिए थे, कह रहे थे कि भाई हम तो पहले ये तीनों करने के बाद ही हम यहाँ आएंगे, और हम देख रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो सचमुच आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनके 100वें दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर पधार चुके हैं। और अब एक और खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक, हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। अब वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी, तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे, आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहा करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं, तो हम लोग तो करते हैं। लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, या पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं, तो इसीलिए इन सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्या में जो सभी जातियों के और खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया, आप बताइए, जब उनको मौका मिला।